सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सूरज यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज फ्राइडे है और MIUI वाइड ग्लोबल बेटा रूम 7.6.29 की अपडेट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अनलॉक किया गया है इस अपडेट में। तो चलते हैं दोस्तों MI के अपडेटर ऐप पे, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं अपने अपडेटर ऐप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अपडेट शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे MIUI वर्जन है 7.6.29, जो कि एक वीकली अपडेट है। और अगर बात करें इसकी साइज़ की तो 1.4 GB का साइज़ दिया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा साइज है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अपडेट की चेंज लॉग की। तो जो कुछ हाईलाइटेड चेंज लॉग यहाँ पे शो किए गए देख सकते हैं। पहला है इम्प्रूव लेआउट एंड रीडेबिलिटी फॉर सर्च रिजल्ट इन कॉन्टेक्ट्स। दोस्तों कहा जा रहा है कि कॉन्टेक्ट के आइकॉन लेआउट को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है इस अपडेट में, और साथ ही साथ रीडेबिलिटी फॉर सर्च रिजल्ट इन कॉन्टेक्ट्स उसे भी इम्प्रूव किया गया है, ताकि हम किसी भी सर्च रिजल्ट को कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आसानी से पढ़ सकें। दोस्तों अब बात करते हैं इस हाईलाइट की दूसरी चेन लॉक की। यहाँ पे देख सकते हैं वायरस स्कैन एंड पेमेंट स्कैन वेयर मर्ज्ड इनटू सिक्योरिटी स्कैन। दोस्तों हमें सिक्योरिटी ऐप के ऊपर जो वायरस स्कैन का फीचर मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और फीचर ऐड किया गया पेमेंट स्कैन के नाम से। तो आसानी से अब हम वायरस स्कैन और साथ ही साथ पेमेंट स्कैन दोनों एक साथ कर पाएंगे सिक्योरिटी ऐप के ऊपर। तो दोस्तों ये थी कुछ हाईलाइटेड चेन लॉक। और अब बात करते हैं इस अपडेट की दूसरी चेन लॉक की। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो चेन लॉक है वो सिस्टम के ऊपर कुछ फिक्सिंग की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐप्स स्टॉप वर्किंग इन द बैकग्राउंड। दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी ऐप को बैकग्राउंड में हाइड करते थे तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड हो जाता था। तो जो वो बग था वो इस अपडेट में सॉल्व कर दिया गया है। और यहाँ पे तीसरी चेन लॉक की अगर बात करें तो देख सकते हैं कॉन्टेक्ट्स के ऊपर किया गया है कुछ नए इम्प्रूव्ड आइकॉन लेआउट्स को ऐड किए गए। यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रूव्ड लेआउट एंड रीडेबिलिटी फॉर सर्च रिजल्ट इन कॉन्टेक्ट्स। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको हाईलाइटेड चेन लॉग में बताया, वही चेन लॉग है कॉन्टेक्ट्स के ऊपर। और अब बात करते हैं इस अपडेट की चौथी चेन लॉग की, जो कि किया गया है लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन बार के ऊपर। देख सकते हैं कुछ फिक्सिंग की गई है। द सर्च बार इन द नोटिफिकेशन सेड वाज नॉट डिस्प्लेड करेक्टली। दोस्तों कभी कभी क्या होता था कि पिछली अपडेट में नोटिफिकेशन सेट के ऊपर सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो पाता था, तो उस बग को इस अपडेट में सॉल्व कर दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अपडेट की पांचवी चेन लॉक की, जो कि कैलेंडर के ऊपर किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कुछ नए हॉलीडे कार्ड्स ऐड किए गए रसिया यूजर्स के लिए। तो दोस्तों ये जो पाँचवा चेन लॉक है ये सिर्फ रसिया यूजर्स के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हॉलीडे कार्ड्स ऐड किए गए हैं कैलेंडर के ऊपर, और ये जो चेन लॉक है ये इंडियन यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अपडेट की छठी और आखिरी चेन लॉक की। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये भी कुछ हाईलाइटेड चेन लॉक में से है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था हाईलाइट चेन लॉक पे। देख सकते हैं वायरस स्कैन एंड पेमेंट स्कैन वेयर मर्ज्ड इनटू सिक्योरिटी स्कैन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हाईलाइटेड चेन लॉक में बताया कि वायरस स्कैन और पेमेंट स्कैन, दोस्तों सिक्योरिटी ऐप के ऊपर वायरस स्कैन तो हमें पहले से मिलता ही था, तो यहाँ पे एक और फीचर ऐड किया गया है पेमेंट स्कैन के नाम से। अब हम कोई भी वायरस स्कैन और साथ ही साथ पेमेंट स्कैन दोनों को साथ ही साथ स्कैन पर कर पाएंगे सिक्योरिटी स्कैन के ऊपर। तो दोस्तों ये थी इस अपडेट की कुछ हाईलाइटेड चेन लॉक, और कोई खास चेन लॉक नहीं है दोस्तों। और अगर आप यूज कर रहे हैं MIUI 8 का ग्लोबल बेटा रूम, तो आप ज़रूर से इस अपडेट को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा अपडेट है और इस अपडेट में हमें काफ़ी चेन लॉक देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपका इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वापस जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.